यथार्थ मोक्ष प्रस्तुत कर रहा है अतुल्य संपूर्ण महाभारत श्री महाभारतम संभव पर्व में 111वां अध्याय कुंती द्वारा स्वयंवर में पांडु का वरण और उनके साथ विवाह। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय, राजा कुंती भोज की पुत्री विशाल नेत्रों वाली प्रथा धर्म सुंदर रूप तथा उत्तम गुणों से संपन्न थी। वह एकमात्र धर्म में ही रत रहने वाली और महान व्रतों का पालन करने वाली थी। स्त्री जनोचित सर्वोत्तम गुण अधिक मात्रा में प्रकट होकर उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। मनोहर रूप तथा युवावस्था से सुशोभित उस तेजस्विनी राजकन्या के लिए कई राजाओं ने महाराज कुंती भोज से याचना की। राजेंद्र, तब कन्या के पिता राजा कुंती भोज ने उन सब राजाओं को बुलाकर अपनी पुत्री प्रथा को स्वयंवर में उपस्थित किया। मनस्विनी कुंती ने सब राजाओं के बीच रंगमंच पर बैठे हुए भरतवंश शिरोमणि निरपश्रेष्ठ पांडु को देखा। उनमें सिंह के समान अभिमान जाग रहा था। उनकी छाती बहुत चौड़ी थी। उनके नेत्र बैल की आंखों के समान बड़े बड़े थे। उनका बल महान था। वे सब राजाओं की प्रभा को अपने तेज से आच्छादित करके भगवान सूर्य की भांति प्रकाशित हो रहे थे। उस राज समाज में वे द्वितीय इंद्र के समान विराजमान थे। निर्दोष अंगों वाली कुंती भोज कुमारी शुभ लक्षणा कुंती स्वयंवर की रंगभूमि में नरश्रेष्ठ पांडु को देखकर मन ही मन उन्हें पाने के लिए व्याकुल हो उठी। उसके सब अंग काम से व्याप्त हो गए और चित्त एक बारगी चंचल हो उठा। कुंती ने लजाते लजाते राजा पांडु के गले में जयमाला डाल दी। सब राजाओं ने जब सुना कि कुंती ने महाराज पांडु का वरण कर लिया, तब वे हाथी घोड़े एवं रथों आदि वाहनों द्वारा जैसे आए थे वैसे ही अपने अपने स्थान को लौट गए। राजन, तब उसके पिता ने कुंती का विवाह कर दिया। अनंत सौभाग्यशाली कुरुनंदन पांडु कुंती भोज कुमारी कुंती से संयुक्त हो शची के साथ इंद्र की भांति सुशोभित हुए। राजेंद्र, महाराज कुंती भोज ने कुंती और पांडु का विवाह संस्कार संपन्न करके उस समय उन्हें नाना प्रकार के धन और रत्नों द्वारा सम्मानित किया। तत्पश्चात पांडु को उनकी राजधानी में भेज दिया। कुरुश्रेष्ठ जनमेजय, तब कौरव नंदन राजा पांडु नाना प्रकार की ध्वजा पताकाओं से सुशोभित विशाल सेना के साथ चले। उस समय बहुत से ब्राह्मण एवं महर्षि आशीर्वाद देते हुए उनकी स्तुति करवाते थे। हस्तिनापुर में आकर उन शक्तिशाली नरेश ने अपनी प्यारी पत्नी कुंती को राजमहल में पहुंचा दिया। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में कुंती विवाह विषयक 111वां अध्याय पूरा हुआ। 112वां अध्याय माद्री के साथ पांडु का विवाह तथा राजा पांडु की दिग्विजय। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय, तदनंतर शांतनु नंदन परम बुद्धिमान भीष्म जी ने यशस्वी राजा पांडु के द्वितीय विवाह के लिए विचार किया। वे बूढ़े मंत्रियों ब्राह्मणों महर्षियों तथा चतुरंगिणी सेना के साथ मद्र राज की राजधानी में गए। बहालीक शिरोमणि राजा शल्य भीष्म जी का आगमन सुनकर उनकी अगवानी के लिए नगर से बाहर आए और यथोचित स्वागत सत्कार करके उन्हें राजधानी के भीतर ले गए। वहां उनके लिए सुंदर आसन पाद्य अर्घ्य तथा मधुपर्क अर्पण करके मद्र राज ने भीष्म जी से उनके आगमन का प्रयोजन पूछा। तब कुरकुल का भार वहन करने वाले भीष्म जी ने मद्र राज से इस प्रकार कहा, शत्रुदमन, तुम मुझे कन्या के लिए आया हुआ समझो। सुना है तुम्हारी एक यशस्विनी बहन है जो बड़े साधु स्वभाव की है। उसका नाम माद्री है। मैं उस यशस्विनी माद्री का अपने पांडु के लिए वरण करता हूं। राजन,
तुम हमारे यहाँ संबंध करने के सर्वथा योग्य हो और हम भी तुम्हारे योग्य हैं। मद्रेश्वर, यों विचार कर तुम हमें विधिपूर्वक अपनाओ। भीष्म जी के यों कहने पर मद्रराज ने उत्तर दिया, मेरा विश्वास है कि आप लोगों से श्रेष्ठ वर मुझे ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, परंतु इस कुल में पहले के श्रेष्ठ राजाओं ने कुछ शुल्क का नियम चला दिया है। वह अच्छा हो या बुरा, मैं उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। यह बात सब पर प्रकट है, निस्संदेह आप भी इसे जानते होंगे। साधु शिरोमणि, इस दशा में आपके लिए यह कहना उचित नहीं है कि मुझे कन्या दे दो। वीर, वह हमारा कुल धर्म है और हमारे लिए वही परम प्रमाण है। शत्रु दमन, इसीलिए मैं आपसे निश्चित रूप से यह नहीं कह पाता कि कन्या दे दूंगा। यह सुनकर जनेश्वर भीष्म जी ने मद्रराज को इस प्रकार उत्तर दिया, राजन, यह उत्तम धर्म है। स्वयंभू ब्रह्मा जी ने इसे धर्म कहा है। यदि तुम्हारे पूर्वजों ने इस विधि को स्वीकार कर लिया है तो इसमें कोई दोष नहीं है। शल्य, साधु पुरुषों द्वारा सम्मानित तुम्हारी यह कुल मर्यादा हम सबको विदित है। यह कहकर महातेजस्वी भीष्म जी ने राजा शल्य को सोना और उसके बने हुए आभूषण तथा सहस्त्रों विचित्र प्रकार के रत्न भेंट किए। बहुत से हाथी, घोड़े, रथ, वस्त्र, अलंकार तथा मणि मोती और मूंगे भी दिए। वह सारा धन लेकर शल्य का चित्त प्रसन्न हो गया। उन्होंने अपनी बहन को वस्त्राभूषणों से विभूषित करके राजा पांडु के लिए कुरुश्रेष्ठ भीष्म जी को सौंप दिया। परम बुद्धिमान गंगानंदन भीष्म माद्री को लेकर हस्तिनापुर में आए। तदनंतर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा अनुमोदित शुभ दिन और सुंदर मुहूर्त आने पर राजा पांडु ने माद्री का विधिपूर्वक पाणी ग्रहण किया। इस प्रकार विवाह कार्य संपन्न हो जाने पर कुरुनंदन राजा पांडु ने अपनी कल्याणमयी भार्या को सुंदर महल में ठहराया। राजाओं में श्रेष्ठ महाराज पांडु अपनी दोनों पत्नियों कुंती और माद्री के साथ आनंद पूर्वक यथेष्ट विहार करने लगे। जन्मेजय, कुरुवंशी राजा पांडु 30 रात्रियों तक विहार करके समूची पृथ्वी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा लेकर राजधानी से बाहर निकले। उन्होंने भीष्म आदि बड़े बूढ़ों के चरणों में मस्तक झुकाया। कुरुनंदन धृतराष्ट्र तथा अन्य श्रेष्ठ कुरुवंशियों को प्रणाम करके उन सब की आज्ञा ली और उनका अनुमोदन मिलने पर मंगलाचार युक्त आशीर्वादों से अभिनंदित हो हाथी, घोड़ों तथा रथ समुदाय से युक्त विशाल सेना के साथ प्रस्थान किया। राजा पांडु देवकुमार के समान तेजस्वी थे। उन्होंने इस पृथ्वी पर विजय पाने की इच्छा से हृष्टपुष्ट सैनिकों के साथ अनेक शत्रुओं पर धावा किया। कौरव कुल के सुयश को बढ़ाने वाले मनुष्यों में सिंह के समान पराक्रमी राजा पांडु ने सबसे पहले पूर्व के अपराधी दशारणों पर धावा करके उन्हें युद्ध में परास्त किया। तत्पश्चात वे नाना प्रकार की ध्वजा पताकाओं से युक्त और बहुसंख्यक हाथी, घोड़े, रथ एवं पैदलों से भरी हुई भारी सेना लेकर मगध देश में गए। वहां राजगृह में अनेक राजाओं का अपराधी बलाभिमानी मगधराज दीर्घ उनके हाथ से मारा गया। इसके बाद भारी खजाना और वाहन आदि लेकर पांडु ने मिथिला पर चढ़ाई की और विदेहवंशी क्षत्रियों को युद्ध में परास्त किया। नरश्रेष्ठ जनमेजय, इस प्रकार वे पांडु काशी, सुहम तथा पुंड्र देशों पर विजय प्राप्त हुए अपने बाहुबल और पराक्रम से कुरुकुल के यश का विस्तार करने लगे। उस समय शत्रु दमन राजा पांडु प्रज्वलित अग्नि के समान सुशोभित थे। बाणों का समुदाय उनकी बढ़ती हुई ज्वाला के समान जान पड़ता था। खड़ग आदि शस्त्र लपटों के समान प्रतीत होते थे। उनके पास आकर बहुत से राजा भस्म हो गए। सेना सहित राजा पांडु ने सामने आए हुए सैन्य सहित नरपतियों की सारी सेनाएं नष्ट कर दी और उन्हें अपने अधीन करके कौरवों के आज्ञा पालन में नियुक्त कर दिया। पांडु के द्वारा परास्त हुए समस्त भूपालगण देवताओं में इंद्र की भांति इस पृथ्वी पर सब मनुष्यों में एकमात्र उन्हीं को शूरवीर मानने लगे। भूतल के समस्त राजाओं ने उनके सामने हाथ जोड़कर मस्तक टेक दिए और नाना प्रकार के रत्न एवं धन लेकर उनके पास आए। राजाओं के दिए हुए ढेर के ढेर मणि, मोती, मूंगे, सुवर्ण, चांदी, गोरत्न, अश्वरत्न, रथरत्न, हाथी, गधे, ऊंट, भैंसे, बकरे, भेड़े, कंबल, मृगचर्म, रत्न, रंकु मृग के चर्म से बने हुए बिछौने आदि जो कुछ भी सामान प्राप्त हुए उन सबको हस्तिनापुराधीश राजा पांडु ने ग्रहण किया।
वह सब लेकर महाराज पांडु अपने राष्ट्र के लोगों का हर्ष बढ़ाते हुए पुनः हस्तिनापुर चले आए। उस समय उनकी सवारी के अश्व आदि भी बहुत प्रसन्न थे। राजाओं में सिंह के समान पराक्रमी शांतनु तथा परम बुद्धिमान भरत की कीर्ति कथा जो नष्ट सी हो गई थी उसे महाराज पांडु ने पुनरुज्जीवित कर दिया। जिन राजाओं ने पहले कुरुदेश के धन तथा कुरु राष्ट्र का अपहरण किया था उनको हस्तिनापुर के सिंह पांडु ने करद बना दिया। बहुत से राजा तथा राजमंत्री एकत्र होकर इस तरह की बातें कर रहे थे। उनके साथ नगर और जनपद के लोग भी इस चर्चा में सम्मिलित थे। उन सबके हृदय में पांडु के प्रति विश्वास तथा हर्षोल्लास छा रहा था। राजा पांडु जब नगर के निकट आए तब भीष्म आदि सब कौरव उनकी अगवानी के लिए आगे बढ़ आए। उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक देखा, राजा पांडु और उनका दल बड़े उत्साह के साथ आ रहे हैं। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो वे लोग हस्तिनापुर से थोड़ी ही दूर तक जाकर वहां से लौट रहे हों। उनके साथ भांति भांति के धन एवं नाना प्रकार के वाहनों पर लाद कर लाए हुए छोटे बड़े रत्न, श्रेष्ठ हाथी, घोड़े, रथ, गौएं, ऊंट तथा भेड़ आदि भी थे। भीष्म के साथ कौरवों ने वहां जाकर देखा तो उस धन वैभव का कहीं अंत नहीं दिखाई दिया। कौसल्या का आनंद बढ़ाने वाले पांडु ने निकट आकर पितृव्य भीष्म के चरणों में प्रणाम किया और नगर तथा जनपद के लोगों का भी यथा योग्य सम्मान किया। शत्रुओं के राज्यों को धूल में मिलाकर कृतकृत्य होकर लौटे हुए अपने पुत्र पांडु का आलिंगन करके भीष्म जी हर्ष के आंसू बहाने लगे। सैकड़ों शंख, तुरही एवं नगाड़ों की तुमल ध्वनि से समस्त पुरवासियों को आनंदित करते हुए पांडु ने हस्तिनापुर में प्रवेश किया। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में पांडु दिग्विजय विषयक 112वां अध्याय पूरा हुआ। 113वां अध्याय राजा पांडु का पत्नियों सहित वन में निवास तथा विदुर का विवाह। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय, बड़े भाई धृतराष्ट्र की आज्ञा लेकर राजा पांडु ने अपने बाहुबल से जीते हुए धन को भीष्म, सत्यवती तथा माता अंबिका और अंबालिका को भेंट किया। उन्होंने विदुर जी के लिए भी वह धन भेजा। धर्मात्मा पांडु ने अन्य सुहृदों को भी उस धन से तृप्त किया। भारत, तत्पश्चात सत्यवती ने पांडु द्वारा जीत कर लाए हुए शुभ धन के द्वारा भीष्म और यशस्विनी कौसल्या को भी संतुष्ट किया। माता कौसल्या ने अनुपम तेजस्वी नरश्रेष्ठ पांडु को उसी प्रकार हृदय से लगाकर उनका अभिनंदन किया जैसे शची अपने पुत्र जयंत का अभिनंदन करती है। वीरवर पांडु के पराक्रम से धृतराष्ट्र ने बड़े बड़े 100 अश्वमेध यज्ञ किए तथा प्रत्येक यज्ञ में 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं की दक्षिणा दी। भरत श्रेष्ठ, राजा पांडु ने आलस्य को जीत लिया था। वे कुंती और माद्री की प्रेरणा से राजमहलों का निवास और सुंदर शैयाएं छोड़कर वन में रहने लगे। पांडु सदा वन में रहकर शिकार खेला करते थे। वे हिमालय के दक्षिण भाग की रमणीय भूमि में विचरते हुए पर्वत के शिखरों पर तथा ऊंचे शाल वृक्षों से सुशोभित वनों में निवास करते थे। कुंती और माद्री के साथ वन में विचरते हुए महाराज पांडु 2 हथिनियों के बीच में स्थित एरावत हाथी की भांति शोभा पाते थे। तलवार, बाण, धनुष और विचित्र कवच धारण करके अपनी दोनों पत्नियों के साथ भ्रमण करने वाले महान अस्त्रवेत्ता भरतवंशी राजा पांडु को देखकर वनवासी मनुष्य यह समझते थे कि ये कोई देवता है। धृतराष्ट्र की आज्ञा से प्रेरित हो बहुत से मनुष्य आलस्य छोड़कर वन में महाराज पांडु के लिए इच्छानुसार भोग सामग्री पहुंचाया करते थे। एक समय गंगा नंदन भीष्म जी ने सुना कि राजा देवक के यहाँ एक कन्या है जो शूद्र जातीय स्त्री के गर्भ से ब्राह्मण द्वारा उत्पन्न की गई है। वह सुंदर रूप और युवावस्था से संपन्न है। तब इन भरत श्रेष्ठ ने इसका वर्ण किया और उसे अपने यहाँ ले जाकर उसके साथ परम बुद्धिमान विदुर जी का विवाह कर दिया। गुरुनंदन विदुर ने उसके गर्भ से अपने ही समान गुणवान और विनयशील अनेक पुत्र उत्पन्न किए। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में विदुर विवाह विषयक 113वां अध्याय पूरा हुआ। 114वां अध्याय धृतराष्ट्र के गांधारी से 100 पुत्र तथा 1 कन्या की तथा सेवा करने वाली वैश्य जातीय युवती से युत्सु नामक एक पुत्र की उत्पत्ति।
वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर धृतराष्ट्र के उनकी पत्नी गांधारी के गर्भ से 100 पुत्र उत्पन्न हुए। धृतराष्ट्र की एक दूसरी पत्नी वैश्य जाति की कन्या थी, उससे भी एक पुत्र का जन्म हुआ। यह उन 100 पुत्रों से भिन्न था। पांडु के कुंती और माद्री के गर्भ से 5 महारथी पुत्र उत्पन्न हुए। वे सब कुरुकुल की संतान परंपरा की रक्षा के लिए देवताओं के अंश से प्रकट हुए थे। जन्मेजय ने पूछा, द्विज श्रेष्ठ, गांधारी से 100 पुत्र किस प्रकार और कितने समय में उत्पन्न हुए और उन सबकी पूरी आयु कितनी थी? वैश्य जातीय स्त्री के गर्भ से धृतराष्ट्र का वह एक पुत्र किस प्रकार उत्पन्न हुआ? राजा धृतराष्ट्र सदा अपने अनुकूल चलने वाली योग्य पत्नी धर्मपरायणा गांधारी के साथ कैसा बर्ताव करते थे? महात्मा, मुनि द्वारा शाप को प्राप्त हुए राजा पांडु के वे 5 महारथी पुत्र देवताओं के अंश से कैसे उत्पन्न हुए? विद्वान तपोधन, ये सब बातें यथोचित रूप से विस्तार पूर्वक कहिए। अपने बंधुजनों की यह चर्चा सुनकर मुझे तृप्ति नहीं होती। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, एक समय की बात है, महर्षि व्यास भूख और परिश्रम से खिन्न होकर धृतराष्ट्र के यहाँ आए। उस समय गांधारी ने भोजन और विश्राम की व्यवस्था द्वारा उन्हें संतुष्ट किया। तब व्यास जी ने गांधारी को वर देने की इच्छा प्रकट की। गांधारी ने अपने पति के समान 100 पुत्र मांगे। तदनंतर समयानुसार गांधारी ने धृतराष्ट्र से गर्भ धारण किया। 2 वर्ष व्यतीत हो गए, तब तक गांधारी उस गर्भ को धारण किए रही, फिर भी प्रसव नहीं हुआ। इसी बीच में गांधारी ने जब यह सुना कि कुंती के गर्भ से प्रातःकालीन सूर्य के समान तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ है, तब उसे बड़ा दुख हुआ। उसे अपने उदर की स्थिरता पर बड़ी चिंता हुई। गांधारी दुख से मूर्छित हो रही थी। उसने धृतराष्ट्र की अनजान में ही महान प्रयत्न करके अपने उदर पर आघात किया। तब उसके गर्भ से एक मांस का पिंड प्रकट हुआ, जो लोहे के पिंड के समान कड़ा था। उसने 2 वर्षों तक उसे पेट में धारण किया था, तो भी उसने उसे इतना कड़ा देखकर फेंक देने का विचार किया। इधर यह बात महर्षि व्यास को मालूम हुई, तब वे बड़ी उतावली के साथ वहां आए। जप करने वालों में श्रेष्ठ व्यास जी ने उस मांस पिंड को देखा और गांधारी से पूछा, तुम इसका क्या करना चाहती थी? और उसने महर्षि को अपने मन की बात सच सच बता दी। गांधारी ने कहा, मुने, मैंने सुना है कुंती के एक ज्येष्ठ पुत्र उत्पन्न हुआ है, जो सूर्य के समान तेजस्वी है। यह समाचार सुनकर अत्यंत दुख के कारण मैंने अपने उदर पर आघात करके गर्भ गिराया है। आपने पहले मुझे ही 100 पुत्र होने का वरदान दिया था, परंतु आज इतने दिनों बाद मेरे गर्भ से 100 पुत्रों की जगह एक मांसपिंड पैदा हुआ है। व्यास जी ने कहा, सुबल कुमारी, यह सब मेरे वरदान के अनुसार ही हो रहा है, वह कभी अन्यथा नहीं हो सकता। मैंने कभी हास परिहास के समय भी झूठी बात मुंह से नहीं निकाली है, फिर वरदान आदि अन्य अवसरों पर कही हुई मेरी बात झूठी कैसे हो सकती है? तुम शीघ्र ही 100 मटके तैयार कराओ और उन्हें घी से भरवा दो, फिर अत्यंत गुप्त स्थानों में रखकर उनकी रक्षा की भी पूरी व्यवस्था करो। इस मांस पिंड को ठंडे जल से सींचो। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय, उस समय सींचे जाने पर उस मांस पिंड के 100 टुकड़े हो गए। वे अलग अलग अंगूठे के पोरुवे बराबर 100 गर्भों के रूप में परिणत हो गए। राजन, काल के परिवर्तन से क्रमशः उस मांस पिंड के यथायोग्य पूरे 101 भाग हुए। तत्पश्चात गांधारी ने उन सभी गर्भों को उन कुंडों में रखा। वे सभी कुंड अत्यंत गुप्त स्थानों में रखे हुए थे। उनकी रक्षा की ठीक ठीक व्यवस्था कर दी गई। तब भगवान व्यास ने गांधारी से कहा, इतने ही दिन अर्थात पूरे 2 वर्षों तक प्रतीक्षा करने के बाद इन कुंडों का ढक्कन खोल देना चाहिए। यों कहकर और इस प्रकार से रक्षा की व्यवस्था कराकर परम बुद्धिमान भगवान व्यास हिमालय पर्वत पर तपस्या के लिए चले गए। तदनंतर 2 वर्ष बीतने पर जिस क्रम से वे गर्भ उन कुंडों में स्थापित किए गए थे, उसी क्रम से उनमें सबसे पहले राजा दुर्योधन उत्पन्न हुआ। जन्म काल के प्रमाण से राजा युधिष्ठिर उससे भी ज्येष्ठ थे। दुर्योधन के जन्म का समाचार परम बुद्धिमान भीष्म जी तथा विदुर जी को बताया गया। जिस दिन दुर्धर्ष वीर दुर्योधन का जन्म हुआ, उसी दिन परम पराक्रमी महाबाहु भीमसेन भी उत्पन्न हुए। राजन, धृतराष्ट्र का वह पुत्र जन्म लेते ही गधे के रेंकने की सी आवाज में रोने चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुनकर
बदले में दूसरे गधे भी रेंकने लगे। गीद, कीदड़ और कौवे भी कोलाहल करने लगे। बड़े जोर की आंधी चलने लगी। संपूर्ण दिशाओं में दाहसा होने लगा। राजन, तब राजा धृतराष्ट्र भयभीत से हो उठे और बहुत से ब्राह्मणों को, भीष्म जी और विदुर जी को, दूसरे दूसरे सुहृदों तथा समस्त कुरुवंशियों को अपने समीप बुलवाकर उनसे इस प्रकार बोले, आदरणीय गुरुजनों, हमारे कुल की कीर्ति बढ़ाने वाले राजकुमार युधिष्ठिर सबसे ज्येष्ठ हैं। वे अपने गुणों से राज्य को पाने के अधिकारी हो चुके हैं। उनके विषय में हमें कुछ नहीं कहना है, किंतु उनके बाद मेरा यह पुत्र ही ज्येष्ठ है। क्या यह भी राजा बन सकेगा? इस बात पर विचार करके आप लोग ठीक ठीक बताएं। जो बात अवश्य होने वाली है उसे स्पष्ट कहें। जनमेजय, धृतराष्ट्र की यह बात समाप्त होते ही चारों दिशाओं में भयंकर मांसाहारी जीव गर्जना करने लगे। गीदड़ अमंगल सूचक बोली बोलने लगे। राजन, सब ओर होने वाले उन भयानक अपशकुनों को लक्ष्य करके ब्राह्मण लोग तथा परम बुद्धिमान विदुर जी इस प्रकार बोले, नरश्रेष्ठ नरेश्वर, आपके ज्येष्ठ पुत्र के जन्म लेने पर जिस प्रकार ये भयंकर अपशकुन प्रकट हो रहे हैं, उनसे स्पष्ट जान पड़ता है कि आपका यह पुत्र समूचे कुल का संहार करने वाला होगा। यदि इसका त्याग कर दिया जाए तो सब विघ्नों की शांति हो जाएगी, और यदि इसकी रक्षा की गई तो आगे चलकर बड़ा भारी उपद्रव खड़ा होगा। महीपते, आपके 99 पुत्र ही रहे। भारत, यदि आप अपने कुल की शांति चाहते हैं तो इस एक पुत्र को त्याग दें। केवल एक पुत्र के त्याग द्वारा इस संपूर्ण कुल का तथा समस्त जगत का कल्याण कीजिए। नीति कहती है कि समूचे कुल के हित के लिए एक व्यक्ति को त्याग दे, गांव के हित के लिए एक कुल को छोड़ दे, देश के हित के लिए एक गांव का परित्याग कर दे और आत्मा के कल्याण के लिए सारे भूमंडल को त्याग दे। विदुर तथा उन सभी श्रेष्ठ ब्राह्मणों के यों कहने पर भी पुत्र स्नेह के बंधन में बंधे हुए राजा धृतराष्ट्र ने वैसा नहीं किया। जनमेजय, इस प्रकार राजा धृतराष्ट्र के पूरे 100 पुत्र हुए। तदनंतर एक ही मास में गांधारी से एक कन्या उत्पन्न हुई जो 100 पुत्रों के अतिरिक्त थी। जिन दिनों गर्भ धारण करने के कारण गांधारी का पेट बढ़ गया था और वह क्लेश में पड़ी रहती थी, उन दिनों महाराज धृतराष्ट्र की सेवा में एक वैश्य जातीय स्त्री रहती थी। राजन, उस वर्ष धृतराष्ट्र के अंश से उस वैश्य जातीय भार्या के द्वारा महायशस्वी बुद्धिमान युयुत्सु का जन्म हुआ। जनमेजय, युयुत्सु करण कहे जाते थे। इस प्रकार बुद्धिमान राजा धृतराष्ट्र के 100 वीर महारथी पुत्र हुए। तत्पश्चात एक कन्या हुई जो 100 पुत्रों के अतिरिक्त थी। इन सब के सिवा महातेजस्वी परम प्रतापी वैश्या पुत्र युयुत्सु भी थे। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में गांधारी पुत्रोत्पत्ति विषयक 114वां अध्याय पूरा हुआ। 115वां अध्याय दुशला के जन्म की कथा। जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण, महर्षि व्यास के प्रसाद से धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए, यह बात आपने मुझे पहले ही बता दी थी, परंतु उस समय यह नहीं कहा था कि उन्हें एक कन्या भी हुई। अनग, इस समय आपने वैश्या पुत्र युयुत्सु तथा 100 पुत्रों के अतिरिक्त एक कन्या की भी चर्चा की है। अमित तेजस्वी महर्षि व्यास ने गांधार राजकुमारी को 100 पुत्र होने का ही वरदान दिया था। भगवान, फिर आप मुझसे यह कैसे कहते हैं कि एक कन्या भी हुई? यदि महर्षि ने उस मांस पिंड के 100 भाग किए और यदि सुबल पुत्री गांधारी ने किसी प्रकार फिर गर्भ धारण या प्रसव नहीं किया तो उस दुशला नाम वाली कन्या का जन्म किस प्रकार हुआ? ब्रह्मर्षि, यह सब यथार्थ रूप से मुझे बताइए, मुझे इस विषय में बड़ा कौतूहल हो रहा है। वैशंपायन जी ने कहा, पांडव नंदन, तुमने यह बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, मैं तुम्हें इसका उत्तर देता हूं। महातपस्वी भगवान व्यास ने स्वयं ही उस मांसपिंड को शीतल जल से सींचकर उसके 100 भाग किए। राजन, उस समय जो भाग जैसा बना उसे धाय द्वारा वे एक एक करके घी से भरे हुए कुंडों में डलवाते गए। इसी बीच में पूर्ण दृढ़ता से सतीव्रत का पालन करने वाली साध्वी एवं सुंदरी गांधारी कन्या के स्नेह संबंध का विचार करके मन ही मन सोचने लगी, इसमें संदेह नहीं कि इस मांसपिंड से मेरे 100 पुत्र उत्पन्न होंगे, क्योंकि व्यास मुनि कभी झूठ नहीं बोलते, परंतु मुझे अधिक संतोष तो तब होता यदि एक पुत्री भी हो जाती।
यदि 100 पुत्रों के अतिरिक्त एक छोटी कन्या हो जाएगी तो मेरे ये पति दौहित्र के पुण्य से प्राप्त होने वाले उत्तम लोकों से भी वंचित नहीं रहेंगे। कहते हैं, स्त्रियों का दामाद में पुत्र से भी अधिक स्नेह होता है। यदि मुझे भी 100 पुत्रों के अतिरिक्त एक पुत्री प्राप्त हो जाए तो मैं पुत्र और दौहित्र दोनों से घिरी रहकर कृतकृत्य हो जाऊं। यदि मैंने सचमुच तप दान अथवा होम किया हो तथा गुरुजनों को सेवा द्वारा प्रसन्न कर लिया हो तो मुझे पुत्री अवश्य प्राप्त हो। इसी बीच में मुनिश्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने स्वयं ही उस मांस पिंड के विभाग कर दिए और पूरे 100 अंशों की गणना करके गांधारी से कहा। व्यास जी बोले, गांधारी, मैंने झूठी बात नहीं कही थी। ये पूरे 100 पुत्र हैं। 100 के अतिरिक्त एक भाग और बचा है जिससे दौहित्र का योग होगा। इस अंश से तुम्हें अपने मन के अनुरूप एक सौभाग्यशालिनी कन्या प्राप्त होगी। यों कहकर महातपस्वी व्यास जी ने घी से भरा हुआ एक और घड़ा मंगाया और उन तपोधन मुनि ने उस कन्या भाग को उसी में डाल दिया। भरतवंशी नरेश, इस प्रकार मैंने तुम्हें दुशला के जन्म का प्रसंग सुना दिया। अनग, बोलो, अब पुनः और क्या कहूं। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में दुशला की उत्पत्ति से संबंध रखने वाला 115वां अध्याय पूरा हुआ। यथार्थ मोक्ष।